सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाली 10 जुलाई को इसका पहला सोमवार भी आने वाला है। लेकिन इस बार 2023 का ये सावन काफी पवित्र और काफी अनोखा होने वाला है। इस सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार होंगे। दरअसल इस साल 2023 में अधिक मास लगने वाला है, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है, जो कि 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। दरअसल अंग्रेजी कैलेंडर में तो सिर्फ 12 महीने ही होते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार अधिक मास लग जाता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन। इसी तरह सूर्य और चंद्र वर्ष में एक साल का अंतर 11 दिन का होता है और यही अंतर 3 साल में 33 दिन का हो जाता है और एक अतिरिक्त माह बन जाता है। ऐसा करने से व्रत और त्योहारों की तिथि अनुकूल बनी रहती है, साथ ही इसकी गणना करने में भी आसानी होती है। और यही अधिक माह इस साल सावन के महीने में जुड़ गया है, जिसके वजह से सावन इस बार 2 महीने का होने वाला है। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार इस अधिक मास की रचना स्वयं विष्णु जी ने की थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस को यह वरदान था कि वह 12 माह में किसी भी माह में मारा नहीं जा सकता। इसीलिए स्वयं विष्णु जी ने एक अधिक मास की रचना की और फिर नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो आप भी उठाइए इस पावन अधिक माह का लाभ और करिए भोले बाबा के अलौकिक दर्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।